नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड। चलिए रुक करते हैं नेशनल की बड़ी खबरों की ओर। यूक्रेन पर हमले का 13वां दिन रूस यूक्रेन के बीच तीसरी बातचीत भी बेनतीजा। यूक्रेन के 5 शहरों में लगातार दूसरे दिन सीज फायर। ऑपरेशन गंगा सुसेवा से पहली फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे 200 छात्र, छात्रों को हंगरी की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का ऑफर। जंग के बीच मोदी की कोशिशें, पीएम ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से 35 मिनट और पुतिन से 50 मिनट बात की, भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर दिया जोर। मंजू राणा व मंत्री गुरजीत सिंह में विवाद, हाईकोर्ट ने एसएसपी कपूरथला से 3 सप्ताह में मांगा स्पीकिंग ऑर्डर, आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई न करने का मामला। कैप्टन की शाह से पौने घंटे लंबी मीटिंग, पंजाब में चुनाव नतीजों से 3 दिन पहले दोनों नेताओं में हुई बैठक, कैप्टन बोले सब कुछ नहीं बता सकता। आसमान में डगमगाया ममता का विमान, बंगाल की सीएम बोली 10 सेकंड की देरी से हो सकता था बड़ा हादसा, दूसरा विमान सामने आने से हुआ ऐसा। कश्मीरी साइंटिस्ट की बड़ी उपलब्धि, एससीआरबी फेलोशिप पाने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी डॉक्टर नशीमन, बोली चीजें मुश्किल होंगी लेकिन हार न माने। यूपी में अंतिम फेज में 57.53% हुई वोटिंग, जौनपुर में धनंजय सिंह समर्थकों की फायरिंग में युवक को लगी गोली, आजमगढ़ में फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल। IBM ने रूस में कारोबार पर लगाई रोक, यूक्रेन ने रूसी मेजर जनरल के मारे जाने का दावा किया। 200 रुपए लीटर के पार पहुंच जाएगा पेट्रोल डीजल, रूस की चेतावनी, यूरोप को पड़ जाएंगे गैस के लाले। नेशनल की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।